बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं टॉपिक 10.6 व्हिच इज़ नेचर ऑफ वेव्स एंड देयर टाइप्स, यानी वेव्स की जो नेचर है वो क्या है और इसकी टाइप्स क्या है। तो फर्स्ट हम वेव को डिफाइन करते हैं कि हाउ वी विल डिफाइन वेव। वेव इज़ अ, जैसा कि हमने पहले डिफिनीशन किया था कि अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन ए मीडियम, यानी मीडियम में जो डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, वेव। अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम। इसके अलावा और भी डिफिनेशन है, यहाँ पर हमने लिखे हैं अ पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस विच प्रोपिगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी जो डिस्टर्बेंस एक मीडियम में पैदा हो जाए और वो एक जगह से दूसरी जगह पर प्रोपिगेट हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, वेव। और एक और डिफिनेशन है, अ डिस्टर्बेंस दैट मूव आउटवर्ड फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन ट्रांसफरिंग एनर्जी बाय मींस ऑफ वाइब्रेशन विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम, यानी वो डिस्टर्बेंस जो जिस ओरिजिन से पैदा हो जाए तो उस ओरिजिन से दूसरे तरफ जाएगा, यानी इस ओरिजिन से दूसरी तरफ जाएगा और अपने साथ एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा, किसके ज़रिए, वाइब्रेशन, बाय मींस ऑफ वाइब्रेशन। लेकिन इसमें कोई मीडियम ट्रांसफरिंग नहीं होगा, इस वाइब्रेशन के ज़रिए ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा। तो दोबारा सुन ले, अ पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस विच प्रोपिगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी वो डिस्टर्बेंस जो जिस मीडियम में पैदा हो जाए वो एक जगह से दूसरी जगह पर प्रोपिगेट करे तो इसको हम क्या कहते हैं, वेव। या अ डिस्टर्बेंस दैट मूव आउटवर्ड फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी जिस ओरिजिन से डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरी जगह पर और अपने साथ एनर्जी को भी ट्रांसफ़र करेगा बाई मीन्स ऑफ वाइब्रेशन, और इसमें कोई मीडियम वगैरह ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसा कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर इस क्लास में हम बैठे हैं और हम बातें कर रहे हैं तो जब हम बातें कर रहे हैं तो हमारा जो वोकल कॉर्ड है वहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से साउंड पैदा होगा, और जैसा साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये एनर्जी एयर पार्टिकल्स के साथ कोलिजन करेगा तो एयर में जो पार्टिकल्स, डिफरेंट पार्टिकल्स है, हज़ारों के पार्टिकल्स है, तो ये पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स एनर्जी ट्रांसमिशन होगा इस एयर में। या इसके अलावा अगर हम वेव्स प्रोड्यूस इन अ वाटर, वाटर में जब वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, इसको देख ले, अगर हम एक तालाब ले ले और वहाँ पर एक स्टोन को ड्रॉप कर ले तो उस पानी के सरफेस पर सर्कुलर राइपल्स पैदा होंगे, तो इसकी वजह से, इन राइपल्स की वजह से ये पार्टिकल्स अप एंड डाउन मोशन करेगा तो इसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। अब हम डिस्कस करते हैं वेव मोशन को। व्हाट इज़ वेव मोशन? वेव मोशन इज़ द मैकेनिज्म आर द फेनोमेना बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ वेव इज़ नोन एज वेव मोशन, यानी वो मैकेनिज्म या वो फेनोमेना जिसके ज़रिए एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स बट विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम, दिस इज़ कॉल्ड वेव मोशन। यानी वो मैकेनिज्म या वो फेनोमेना जिसके ज़रिए एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए एक जगह से दूसरी जगह पर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो हम इसको हम क्या कहते हैं, वेव मोशन। अब ये एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होगा एक जगह से दूसरी जगह पर इन द फॉर्म ऑफ वेव? अगर हम कोई मीडियम ले लें और इस मीडियम को हम डिस्टर्ब करें किसी सोर्स के ज़रिए, जैसा कि हम बातें कर रहे हैं तो हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन कर रहा है, तो वोकल कॉर्ड जो है ये सोर्स हुआ किस चीज़ का, इन वेव्स पैदा करने का। वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेशन कर रहा है तो इसकी वजह से साउंड पैदा होता है और ये साउंड जो है ये एनर्जी का एक फॉर्म है, तो ये एनर्जी आकर इस एयर के पार्टिकल्स के साथ कोलिजन करेगा तो जो डिस्टर्बेंस पैदा होगा वो डिस्टर्बेंस स्प्रेड आउट होगा इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और ये अपने साथ किस चीज़ को कैरी करेगा, एनर्जी को कैरी करेगा। दोबारा सुन ले, अगर हम किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा करें किसी सोर्स के ज़रिए तो ये डिस्टर्बेंस स्प्रेड आउट होगा इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और अपने साथ किस चीज़ को कैरी करेगा, एनर्जी कैरी करेगा।
जब ये डिस्टर्बेंस स्प्रेड आउट होगा इन द फॉर्म ऑफ फ्यूज और अपने साथ एनर्जी को कैरी करेगा, तो ये जो पार्टिकल है ये मोशन किस तरह करेगा? पार्टिकल विल मूव अप एंड डाउन। जैसा कि हमने यहाँ पर ये वेव्स का जो पैटर्न है वो ड्रा किया है, तो इसमें जो पार्टिकल्स है ये अपनी मीन पोजीशन से अप एंड डाउन मोशन करेगा, और ये जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसा कि हमने लिखा है कि इन वेव मोशन नेट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी नेग्लिजिबल, मतलब जो वेव मोशन होगा जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होगा इन द फॉर्म ऑफ वेव एक जगह से दूसरी जगह पर, तो इसमें इस पार्टिकल या इस मीडियम का जो नेट मूवमेंट होगा वो नेग्लिजिबल होगा। पार्टिकल विल वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन, ये अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेशन करेगा और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देगा और दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को और तीसरा चौथा, इस तरह ये एक पैटर्न प्रोड्यूस होगा डिस्टर्बेंस का और एनर्जी ट्रांसफ़र होगा एक जगह से दूसरी जगह पर। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन फीचर्स को जो कि सारे वेव्स के हैं। वैसे तो वेव्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिस तरह हम डिस्कस करेंगे बाद में। एक है मैकेनिकल वेव्स और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक के लिए मीडियम रिक्वायर है और दूसरे के लिए मीडियम रिक्वायर नहीं है, लेकिन जो कॉमन फीचर्स है सारे वेव्स में वो ये है कि अ वेव इज़ अ ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस, यानी वेव में हमारे पास क्या होगा? डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग करेगा एक जगह से दूसरी जगह पर। और दूसरा कॉमन फीचर्स क्या है? अ वेव कैरीज एनर्जी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एक जगह से सारे वेव्स में एक जगह से दूसरी जगह पर क्या ट्रांसफ़र होगा? एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, यानी वेव कैरीज एनर्जी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये हम डिस्कस करते हैं कुछ एक्टिविटीज़ में कि वेव्स एज अ मीन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, मतलब वेव्स में कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होगा एक जगह से दूसरी जगह पर। अगर हम ले लें डिफरेंट मीडियम्स में, जैसा कि सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है, तो इन डिफरेंट मीडियम्स में हम लेते हैं कि ये एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र करेगा। फर्स्ट वी विल डिस्कस इन सॉलिड, वेव प्रोड्यूसेस इन अ स्ट्रिंग। जैसा कि हम एक रूप को ले लें, एक रस्सी को ले लें, तो इसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होगा ये कैसे एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा एक जगह से दूसरी जगह पर। फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज अ स्ट्रिंग, अ रूप विच इज़ फिक्स्ड एट वन पॉइंट विद अ वॉल। हम एक रूप रस्सी को लेते हैं और इसका एक एंड अटैच करते हैं एक दीवार के साथ और दूसरा एंड अपने हाथ में बांध देते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको डिस्टर्ब करें यहाँ पर, तो ये जो डिस्टर्बेंस पैदा होगा, अगर हम इस ये किस तरह पैदा होगा, ये इस साइड पे हम इसको एक जर्क देते हैं तो ये इसमें इस तरह एक पैटर्न प्रोड्यूस होगा। तो हमने एनर्जी यहाँ पर दी थी, एनर्जी हमने यहाँ पर दी और वो ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये एक वेव्स प्रोड्यूस हो गया, एक वेव्स प्रोड्यूस हो गया और इसमें पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग, यानी एक सॉलिड में वेव्स किस तरह पैदा होगा। दूसरा एक्टिविटी है वेव्स प्रोड्यूस इन अ लिक्विड, यानी एक लिक्विड में किस तरह वेव्स पैदा होगा और किस तरह ये पार्टिकल्स टू पार्टिकल एनर्जी ट्रांसमिशन करेगा और जो नेट मूवमेंट ऑफ द मीडियम, यानी यहाँ पर वाटर होगा तो इसका नेट मूवमेंट कैसे नेग्लिजिबल होगा। अगर हम एक टब को कंसिडर करते हैं, इसमें पानी लेते हैं और एक कप इस पानी में दरमियान में रख लेते हैं, यहाँ पर हमने एक पेंसिल लिया और इस जगह पर हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, यानी जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है वो हमारा ये हो गया, यहाँ पर हमने पेंसिल की वजह से डिस्टर्बेंस पैदा किया। तो इन वाटर में जो लेयर्स पैदा हुई, राइपल्स पैदा हुई, तो इसकी वजह से यहाँ से यहाँ तक ये एनर्जी ट्रांसफ़र होगा इस वाटर में, क्योंकि एनर्जी तो हमने यहाँ पर दी थी और सारे वाटर में ये राइपल्स प्रोड्यूस हुए।
तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो कॉक हमने दरमियान में रखा है ये सिर्फ़ और सिर्फ अप एंड डाउन मोशन करेगा और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। यानी जो हम शो करते हैं वो ये है कि जो नेट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल है वो क्या है, नेगलिजिबल है। इस तरह हमने यहाँ पर ड्रा किया है, यहाँ पर वेव्स प्रोड्यूस हुआ है और जो काक है वो अपनी मीन पोजीशन पे है। फिर ये वेव्स इस तरफ जाएगा तो काक अप एंड डाउन मोशन करेगा। यहाँ पर काक लोअर पोर्शन में आया है, अब जो वेव है इसने और भी यहाँ इस साइड पे डिस्टेंस कवर की तो पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पे गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक इस वेव ने और भी डिस्टेंस कवर कर लिया तो ये वापस मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ गया। और फिर यहाँ पर जब वेव ने आगे डिस्टेंस कवर किया तो वे ये कॉक जो है वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ गया। तो ये हमें शो करता है कि जो नेट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स है वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। यहाँ पर हमने लिखा है द मैटर, यानी मैटर हमारे पास जो कॉक है यहाँ पर डज नॉट एक्सपीरियंस द नेट मूवमेंट, यानी इसकी जो नेट मूवमेंट है वो नहीं है। बट द एनर्जी विल बी कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन यहाँ से एनर्जी कैरी हो गया इस वेव्स के जरिए यहाँ तक। पार्टिकल विल वाइब्रेट अबाउट मीन पोजिशन, यानी जो काक है यानी जो पार्टिकल है ये सिर्फ अपनी मीन पोजिशन से टू एंड फ्रो मोशन करेगा, वाइब जो कि हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब एक नोट है, पार्टिकल एंड वेव बोथ कैरी एनर्जी बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। पार्टिकल्स और वेव जो है दोनों एनर्जी को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, लेकिन एक को हम वेव कहते हैं और दूसरे को हम वेव नहीं कहते। किस तरह, अगर हम एग्जांपल वन से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, अगर हम अपने फ्रेंड्स को बॉल टॉस कर ले तो ये बॉल क्या है, ये एक मैटर है, इस बॉल के साथ सारा एनर्जी क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर अगर हम वेव की डिफिनीशन करें कि द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम एंड एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ वेव विच इज़ नोन एज वेव मोशन, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स एनर्जी ट्रांसमिशन है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये मैटर जो है एज अ होल ट्रांसफर होगा। जिस तरह ये बाल हमारे हाथ से हमारे फ्रेंड के हाथ पे गया, हमने इसकी तरफ फेंका तो बाल भी ट्रांसफर हो गया और बाल के साथ एनर्जी भी, तो ये वेव मोशन नहीं है। और अब हम एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल टू से कि इफ़ यू एंड योर फ्रेंड होल्ड द रूप फ्रॉम एंड्स, अगर हम और एक और बंदा हो जो रूप को एक साइड से पकड़ ले और एक साइड से हम पकड़ ले और इसको अगर शेक कर ले तो ये जो रूप है ये हमारे हाथ में रहेगा, बट जिस साइड से हम ये डिस्टर्बेंस पैदा करें, ये जर्क दे इसको, तो इस साइड से एनर्जी ट्रांसफ़र होगा दूसरी साइड पे, जैसा कि यहाँ पर है, ये एनर्जी इस साइड इस पॉइंट से ट्रांसफ़र हो गया यहाँ तक। एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, एक ने यहाँ पर जर्क दी और इसने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट की इसमें पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स एनर्जी ट्रांसमिशन हो गया यहाँ तक। अब हम डिस्कस करते हैं एक और एग्जांपल को, अगर हम किसी जगह पर या किसी रूप वगैरह में वेव्स प्रोड्यूस करें, वेव्स पैदा करें, तो इसमें अगर रूप ले ले तो इस रूप में हम एक पॉइंट को कलर कर ले, एक पार्ट को कलर कर ले, और हम जब इसमें इसको जर्क देते हैं तो हम इस कलर्ड पार्ट को देखेंगे, ये कलर्ड पार्ट जो है ये मोशन करेगा अप एंड डाउन, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। यानी वेव्स में जो पार्टिकल्स का मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। अच्छा, और जिस तरह के इस फिगर ए में है, अब हम डिस्कस फिगर बी में इस ये हम
ये फिगर ए हमें शो करता है कि इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होगा एक जगह से दूसरी जगह पर, और फिगर बी हमें ये शो करता है कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा एक जगह से दूसरी जगह पर, ये पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स एनर्जी ट्रांसमिशन होगा, और ये पार्टिकल्स जो है ये मोशन करेगा, ओसिलेटरी मोशन। अब हम और एक और एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम एक स्टोन को ड्रॉप कर दे एक वाटर पॉन्ड में, यानी पानी के तालाब में एक स्टोन को ड्रॉप कर ले, तो हम जो दरमियान वाला पोर्शन है वहाँ पर स्टोन को ड्रॉप कर लेंगे, तो इस दरमियान पोर्शन से सारे साइड पर सर्कुलर राइपल्स पैदा होंगे। ये एनर्जी इस पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ये होगा, और यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होगा सारे साइड पर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर राइपल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, वेव्स। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, या जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेव्स।